हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आफियाज किचन। आज हम बनाएंगे पनीर ग्रिल। पनीर ग्रिल बनाने के लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून दही, 3/4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 3/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फिर ऐड करना है 200 ग्राम पनीर, थोड़ी हरी शिमला मिर्च, थोड़ी लाल शिमला मिर्च, ये ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फिर हमें इसे 1 से 1.5 घंटे तक मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के बाद हम पनीर को सीक में डालेंगे। इस सीक को हमें पानी में 5 से 10 मिनट तक भिगोकर रखना है। फिर हमें ग्रिल पैन को गरम करना है और उस पर बटर ब्रश कर लेना है। आप चाहे तो ग्रिल पैन की जगह तवा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें पनीर को ग्रिल कर लेना है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। फिर हमें इसे बटर से ब्रश करना है। आप चाहे तो इस पे बचा हुआ मसाला भी अप्लाई कर सकते हो। हमें इसे चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक ग्रिल करना है। अब हमारा पनीर ग्रिल तैयार है।